वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज दिन है सैटरडे और डेट है 7 अगस्त और आज है मेरा बर्थडे। आज मेरा बर्थडे है लेकिन आज कुछ ऐसा खास नहीं है। आपको पता है कि कल जो है मेरे पापा जी की है बरसी, मैंने आप लोगों को बताया नहीं है। और मैं जो कल ब्लॉग बना रही थी उसमें बता रही थी कि बहुत सारी शॉपिंग की है, बहुत सारी तैयारियां की हैं, तो वो सब थी पापा जी की बरसी के लिए। और मतलब ये सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है, जो भी रिचुअल्स होते हैं सारा सब कुछ हम लोग टाइम टू टाइम करते हैं, तो वही पापा जी की बरसी होगी कल। और आज जो है मेरा जो है मैंने क्लीनिंग का काम कल ही फिनिश कर दिया था सारा, सब कुछ मतलब नीट एंड क्लीन। और ये मैंने DIY किया है, बड़ा वाला पॉट, साथ में एक टेडी रख दिया है और न्यू फ्लावर्स रख दिए। इस टाइम लाइट नहीं है, अदरवाइज मैंने यहाँ पर एक लाइट लगाई हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो DIY कृतिका चैनल पर देखिएगा। मैं वहाँ पर छोटे छोटे क्राफ्ट शेयर करती रहती हूँ जो कि बहुत मतलब हेल्पफुल हो सकते हैं आप सबके लिए। एक्चुअली जो भी क्राफ्ट होता है वो मेरा यूज़फुल होता है और कुछ मैं ऐसा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ कि हेल्पफुल रहे हर किसी के लिए। और जैसे जो मुझे ऑर्गेनाइज़ करना होता है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। और मैं आज ये ब्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ, अभी टाइम 11:30 हो गया है। छोटी सी क्लिप निकाली थी नाश्ता करते समय, और ये फोल्डिंग पलंग जो देने के लिए होता है ना वही ख़रीदा है मैंने, कल यही नहीं दिखा पाया था आप लोगों को। और अभी मैं आपको जब ऊपर जाऊँगी फिर दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है देने के लिए, क्या क्या तैयारियाँ की है। तो तैयारियों में मेन तो गाइस चलिए ऐसे करती हूँ कैमरा, थोड़ा सा इधर से लाइट कम पड़ रही है। तो तैयारियों में ज़्यादा तो कुछ नहीं, जैसे क्लीनिंग वगैरह का सबसे ज़्यादा रहता है कि बहुत सारे लोग आने वाले हों तो क्लीनिंग अच्छे से हो जाए घर की, तो क्लीनिंग वगैरह कर ली है और पूरा घर क्लीन हो गया। बस मेरे छोटा सा काम बचा हुआ था, मेरी किचन में 2 सेल्फ जो थी वो क्लीन नहीं हो पाई थी, वो क्लीन कर दी। फ्रिज रह गया था वो भी कर दिया मॉर्निंग में। और अभी मैंने लंच की भी प्रिपरेशन कर ली है क्योंकि बहुत सारे लोग आने लगे हैं, जो दूर वाले लोग हैं वो सब आज ही आ गए हैं, और जैसे जो रह जाएंगे वो कल आ जाएंगे। तो सब लोग बाहर भी रहते हैं, दिल्ली लखनऊ सब लोग कानपुर, तो कानपुर से भैया दीदी लोग आ गए हैं, और एक अभी चाची आई थी मम्मी से मिलने के लिए, और बड़ी वाली पामी मामा जी आ रहे हैं, अभी आ ही रहे होंगे। और इसके साथ ही और कौन आया है, और अभी जैसे जैसे आएंगे ना इस बार मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज मेरा बर्थडे है, लेकिन पिछले साल भी मैंने मेरे बर्थडे पर बिल्कुल कुछ नहीं किया था, अच्छा ही नहीं लगा था। और मैं हमेशा मतलब शायद अब कभी ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि पापा जी की बहुत याद आती है, बहुत मिस कर जाती हूँ मैं उनको, क्योंकि मेरे पापा जी को ना बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, बहुत एक्साइटेड होते थे हर बात के लिए। और जैसे मेरा बर्थडे हो कुछ हो तो सुबह से शोर मचाते थे सबसे कि अरे आज मम्मा का बर्थडे है, आज मम्मा का बर्थडे है, आज ये करना है, आज ये करना है, शाम को वही पार्टी में क्या होगा। और बोलते थे हम गिफ्ट अलग से देंगे, सब लोग दो, जिसे जो देना हो हम तुम्हें गिफ्ट देंगे, तुम क्या लोगी। तो हमेशा मेरी चॉइस का गिफ्ट खुद मुझे मार्केट से, और हमेशा मतलब अच्छी चीज़ें मुझे दिलाई है। कपड़े वगैरह तो मैंने खुद अपनी चॉइस से लिए होंगे, जब कभी गोल्ड वगैरह लिया होगा तो उनके साथ जाके मैंने लिया होगा, या फिर बहुत यूज़फुल उन्होंने मुझे चीज़ दी होगी। तो आज के दिन मैं उन्हें बहुत मिस करूँगी। मेरे पापा जी की फ़ोटो लगी हुई है, और टाइम अभी 11:30 हुआ है तो अभी दाल चावल बन रहे हैं, सीटी आ गई है गैस में वो सुनाई दे रही है, और आटा लगा दिया है, सब्जी बॉईल करके ऐसे रखी हुई है, अभी बनाऊंगी उसे। तो लंच रेडी करना है क्योंकि सब लोग आने वाले हैं, और बच्चों को रेडी कर दिया है, सारे काम फिनिश हो गए हैं, मतलब मॉर्निंग वाला कोई काम नहीं रह गया है। और मैं सोचा चलो आपके साथ यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और आज मेरा बर्थडे है तो मैंने न्यू सूट पहन लिया है, ये वाला सूट सिलवाया था ना अभी मैंने, ये वाली इसकी मैरून सलवार, और ये इसका दुपट्टा बहुत लंबा चौड़ा है, अच्छे से सर पे से ओढ़ सकते हैं। तो कल मम्मी ने ना मुझे इनके साथ इवनिंग में मार्केट भेजा था कि मैं अपने लिए कुछ न्यू कुर्ती वगैरह ले लूँ या सूट जो भी मुझे पसंद आए। तो मुझे एक कुर्ती अच्छी लगी थी, जब मैं लेने गई तो मेरा साइज़ नहीं था तो मैंने नहीं परचेज़ कर पाई। मैंने बोला मम्मी कोई बात नहीं, मम्मी बहुत पीछे पड़ी हुई थी, होगा तुम्हारा बर्थडे है तो तुम ले लो अपने लिए, लेकिन मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, जब बाद में ले लेंगे, कोई आज के लिए ज़रूरी नहीं है। मैंने बोला मेरा नया सूट सिल गया है मैं इसी को पहन लूँगी, तो मैंने नया सूट पहन लिया।
तो चलिए फटाफट से गैस बंद करके आते हैं, अदरवाइज दाल वाल बन जल सकती है। तो यहाँ पर चलिए ये वाला मैं आपको DIY दिखा रही थी, और जिस किसी को अच्छा लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना। और चलिए ये ब्लॉग तो कंटिन्यू मैं करूँगी ही आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये मम्मी लेटी हुई हैं, और आज मम्मी ने एक न्यू गाउन पहना है। एक्चुअली मैंने कल ही मम्मी को न्यू गाउन ला कर दिए हैं, जिसमें से एक ये वाला है। बच्चे दोनों रेडी हैं और ये भैया एक आए हुए हैं मम्मी से भी मिलने के लिए। तो मम्मी के साथ यहाँ पर बातें चल रही हैं, और सब लोग ही मम्मी से मिलने आए थे, एक एक करके रात तक सब लोग आते रहे थे। और यहाँ पर ये मेरे पापा जी के फ्रेंड हैं, और पापा जी के मतलब कॉलेज फ्रेंड हैं, वो मिलने आए थे। और इसके बाद यहाँ पर अभी मैं आ चुकी हूँ रसोई में, तो वो अंकल जी अभी बैठे हुए हैं, पापा जी को बहुत मिस करते हैं और बोल रहे थे कि मतलब वो होता है ना कि उम्र इतना इंसान को नहीं थकाती है, लेकिन बोल रहे थे कि मेरे साथ वाले जब से चले गए हैं तब से तो मतलब बहुत उन्हें अच्छा नहीं लगता है, बहुत अपने आप को लो फील करते हैं। पापा जी थे मेरे, जो चाचा डॉक्टर थे वो बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड थे सब लोग, और अक्सर पापा जी से मिलने हमेशा ही वो मेरे घर पर आते थे। तो मम्मी से मिलने आए थे कि कोई काम हो तो हमें बता देना। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी रेडी कर रही हूँ लंच, और सब लोगों के आने तक मैंने यहाँ पर फटाफट से सब्जी दाल चावल सब बना कर रख लिया था। तो ये अरबी की सब्जी बना रही हूँ, आजकल सीजन की सब्जी है और सबको ही मेरे यहाँ अच्छी लगती है। तो यहाँ पर सब्जी दाल बनकर रेडी है, बस चौंक लगाना बाकी है। और अभी यहाँ पर बड़ी वाली मामी भी आ गई हैं, तो वो चाय पी रही हैं, और जो मामा जी आए हैं साथ में एक और मम्मी के भाई हैं वो आए हैं, तो वो चाय पीकर अभी अपने दूसरे वाले रूम में चले गए हैं रेस्ट करने के लिए। और मम्मी यहाँ पर बातें कर रही हैं मामी के साथ। तो कुछ ही दिन पहले मामी आई थी जब कार्तिक की तबीयत खराब हुई थी, लेकिन उस टाइम मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है 2:40, और अभी बस सबको लंच करा कर किचन वगैरह बिल्कुल साफ़ करके और मैं आ चुकी हूँ मेरे ऊपर वाली बेडरूम में, और मेरे साथ काव्या भी आ गई है। हेलो काव्या। और काव्या ने आते ही टाइगर ले लिया, इसको नींद नहीं आती है, दोनों बच्चों को ही नींद नहीं आती है। और दोपहर को जैसे मैं भी नहीं सोती हूँ, कभी कभी बहुत थक जाऊँ या मन करे तो सो जाती हूँ, लेकिन आज तो मुझे काम ही है। तो मामी वगैरह आ गई हैं, मामा जी आ गए हैं, और बुआ वगैरह सब लोग आई हैं, वो दीदी के घर हैं तो वो अभी आफ्टरनून में नहीं आए हैं, और भी बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो जो जो मैं घर पे आता जाएगा और जैसे मैं फ्री हूँ तो मैं सबकी क्लिप यहाँ पर निकालती जा रही हूँ कि आपके साथ शेयर करना है। और मुझे अभी थोड़ा सा काम करना है, तो ये प्रिपरेशन थी जो मुझे अभी रेडी करनी है। तो फ्रेंड्स ये सारा सामान है जो मैंने पहले परचेज़ किया था आपके साथ, मैंने वीडियो में दिखाया जिस दिन मैं शॉपिंग करने गई थी। तो ये सब एक दिन में नहीं आया है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कई चीज़ें ऐसी थी जिन्हें हमने थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदा है बाद में। और यहाँ पर ये जो सारा सामान है, तो मैं थोड़ा सा काम करने के लिए आई हूँ, क्या क्या परचेज़ किया है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए पहले फटाफट से ये सब निकाल के कर लेती हूँ, फिर शाम को और भी तैयारियाँ करनी है, क्योंकि कल जब सब लोग आएंगे ना तो फिर थोड़ा सा मुझे बाहर वाला रूम भी खाली करना है। और इसके साथ ही क्या बोलते हैं, हलवाई भी आ जाएगा, आंगन में हलवाई खाना वगैरह बनाएगा। वैसे तो वो सब मतलब रेडी करके लाएगा, बस पूड़ियाँ वो हमारे यहाँ के गर्म गर्म तलेगा। तो चलिए पहले ये मैं प्रिपरेशन करती हूँ, और बातें तो ये फिर बहुत सारी होती रहेगी। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे ब्लॉगिंग कर पाऊँगी, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल भी मैं एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए कर लेते हैं पहले काम। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर दूर से तो आप लोगों को बहुत थोड़ा सा सामान दिख रहा होगा, बट यहाँ पर ये बहुत सारा सामान है। तो पैकेजिंग से लेकर जो हमें पैकेजिंग के लिए सामान चाहिए वो सब कुछ मैंने परचेज़ कर लिया है पहले से। और यहाँ पर ये बर्तन हैं जो कि दिए जाते हैं, तो ये मैंने इस बार 12 लोटे ख़रीदे हैं, और 13वीं में इससे ज़्यादा हम लोगों ने परचेज़ किया था, और बरसी के टाइम पर थोड़ा सा कम कर दिया है। और जो ये हैं 12 लोटे, तो जैसे 5 बर्तन अलग से हैं और 12 लोटे हैं, तो बड़े पद पर 5 बर्तन और लोटा रखा जाएगा और सबको एक एक लोटा दिया जाएगा। और जब 13वीं की थी तब सबको ही 5-5 बर्तन किए थे, इस बार थोड़ा सा कम कर दिया है। और यहाँ पर मैं लोटों के अंदर डाल रही हूँ सामान, तो सब में एक एक सुपारी, चावल, चंदन का टुकड़ा, सब में एक एक हनुमान चालीसा, और
इसके साथ ही तुलसी की माला, जनेऊ, और ये काव्या को, मतलब देखिए यहाँ पर वीडियो में ना फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, ये मेरी हेल्प करने के लिए मतलब इतनी आगे रहती है, कोई भी काम हो, कुछ भी हो, तो मैंने सोचा चलो होगा, बच्चा है जो करना चाह रही है, छोटी छोटी हेल्प तो कर ही सकती है। और सब मैं देख देख कर एक एक करके, मम्मा आप नहीं रखोगी, मम्मा आप नहीं रखोगी, मुझे रखना है, मुझे करना है, बहुत खुशी से, बहुत एक्साइटेड होकर सारे काम कर रही थी। और इसने सब में एक एक ये चंदन जो होता है ना सूखा वाला, गोपी चंदन जिसे बोलते हैं, उससे हाथ गंदे हो रहे थे तो अपने कपड़ों से ही पोंछती जा रही थी। और ये देने वाली एक बाल्टी मग है, इसमें जो छोटा छोटा सामान है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, ये सारा सब कुछ मैंने बकेट के अंदर ही कर दिया है। इसके साथ ये भी पूजा के आसन है, कपड़े हैं, और ये बड़े वाले पैकेट्स हैं तो मैं इनको निकाल कर रखूँगी। तो यहाँ पर एक मैंने बड़ी सी माला भी ली हुई है, साथ ही जो बड़े वाले पैकेट है इनके अंदर एक एक हम पैंट शर्ट का कपड़ा रखते जाएंगे, और जो पैंट शर्ट वाले पीस आते हैं ना वही लिए थे। और इसके साथ ही जो लोटे हैं वो रख देंगे पैकेट के अंदर। तो मुझे यही सारे पैकेट बनाकर रेडी करके रखने थे, क्योंकि इससे करने में भी 1-1.5 घंटे का टाइम लग गया था। तो आफ्टरनून में फ्री होकर बैठ गई थी, तो इस बार हम लोगों ने बहुत प्रिपरेशन की थी, सारी तैयारियां एक दिन पहले कर कर रखी थी। और जब पहली बार 13वीं हुई थी, मतलब हमने कभी देखा नहीं था कि क्या कैसे करना होता है। तो मेरे एक जीजा जी हैं, उन्होंने बहुत मतलब सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई थी। तो इस बार ये जो छोटा छोटा काम है तो घर पर मैंने ही ख़त्म कर दिया था, और जिया जी के पास सारे बड़े बड़े काम थे, जैसे जो बाहर के सारे काम थे वो सब उनके देखने के लिए थे। तो ये यहाँ पर जो पैकेट्स हैं सबके अंदर लोटा रख दिया है, लोटे में सारा सामान रख दिया है, और कपड़े के पीस इसी के अंदर डाल डाल कर, और सबके साथ आसन भी देना है सबको, तो वो मैं रखती जा रही हूँ यहाँ पर। और ये काव्या को देखिए, मतलब हर उसमें पैकेट में उसको रखना है बहुत शौक से। तो यहाँ पर ये बस बहुत ही जल्दी जल्दी से हम लोग फटाफट से रखते जा रहे हैं, लेकिन इतना फास्ट काम नहीं हो रहा है जितना यहाँ पर वीडियो में आपको दिख रहा है, बट जो प्रिपरेशन थी बहुत अच्छे से सारा सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था। और काव्या तो यहाँ पर बोल रही थी, अरे मम्मा आपने तो यहाँ पर ये सब कुछ इतना कवर कर दिया, अब हम यहाँ पर सारा सामान कहाँ रखेंगे। तो मैंने ये उठ के जल्दी से मैंने बोला, अरे बेड पर आप पीछे की तरफ जगह बना लो, और ये यहाँ पर ये देखिए सारा सामान हमने एक साइड पीछे की तरफ लगा दिया है। और ये जो बरसी होती है, इसमें जैसे बोलते हैं ना जो बड़ा पद होता है और जो वैसे 12 ब्राह्मण होते हैं, तो अलग से ब्राह्मणों के लिए ये सारा सामान है। उसके बाद जो बड़ा पद होगा उसके लिए गद्दा है, नीचे फोल्डिंग है, क्योंकि बिस्तर इसमें सारा सब कुछ दिया जाता है, तो वो मैं आपके साथ अभी आगे शेयर करूंगी। और एक ये फोटो के लिए मैंने बड़ी सी माला परचेज की है, और ये एक आसन वगैरह सब करके मैं एक उसमें अलग से थैला बना रही हूँ इसमें, क्योंकि बड़े पद का सामान मैंने अलग कर दिया है और जो छोटे छोटे पद हैं उनका सामान सब अलग कर दूंगी। तो पॉलिथीन्स वगैरह सब कुछ मैंने मार्केट से परचेज की हुई है, और मुझे पता नहीं था कि इस तरीके से हर चीज़ मिल सकती है। बोलते हैं ना कि कोई ना कोई काम आपको एक्सपीरियंस दे के जाता है, हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल होती है जो हम लोग कभी सोच भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए काव्या का गेम पूरा जारी है और मैं मेरे काम में लगी हुई हूँ। ये मैंने आपको दिखाया, ये इसमें एक बकेट है और एक जो मग है, और ये 5 बर्तन हैं, एक ये आसन है, और जो डेली यूज़ वाला सामान होता है ब्रश, टूथपेस्ट, और मैंने नमकीन रखी है क्योंकि मेरे पापा जी को नमकीन बहुत पसंद थी, और मिठाई जो हम कल ही रख देंगे इसमें क्योंकि पापा जी को मीठा बहुत अच्छा लगता था। होता है ना, कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद हो वो ज़रूर देनी चाहिए, और फिर प्राणी को लगती है, मतलब जो भी हो जो हमारे रिचुअल्स हैं, तो बस उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ तैयारियाँ कर रहे हैं। तो इसमें ये सारा सामान है, और मैंने ऐसे पैकेट बना दिया है कि जिससे ना एक एक चीज़ रखो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर नहीं जल्दी चीज़ मिल पाती है। तो एक छाता जरूर दिया जाता है जब ऐसे वाले काम होते हैं, तो उसमें छाता जरूर देते हैं। तो एक ये बड़ा सा छाता परचेज किया है, और इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली यहाँ पे ये उनके कपड़े हैं, ये सारे अंदर वाले एक रूमाल, और मैंने एक ये मास्क भी परचेज किया है। तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो इम्पोर्टेंट ये भी बहुत ज़्यादा है, तो ये सारा सब कुछ है। और मैंने ना इसको भी पैक नहीं किया था सिर्फ इसीलिए कि मास्क नहीं आ पाया था, तो सारा जितना जो सामान है इसे मैंने अच्छे से पैक कर दिया है ऐसे करके हर चीज़ को।
ये है धोती और इसके साथ ही ये है कुर्ता। कुर्ता बहुत प्यारा है और बनने के बाद तो बहुत अच्छा लगेगा। इसको कॉटन सिल्क बोल सकते हैं, मतलब बहुत बहुत अमेजिंग, मतलब मुझे बहुत पसंद आया और मैंने इनको बोला कि आप भी एक ले लो ऐसे। तो ये वाला एक मैंने लिया है और ये सब ऐसे पैक होके नहीं आया था, ये मैंने अलग से पॉलिथिन जो है मार्केट से परचेज की है और हर तरीके की पता है पॉलिथिन मिल जाती है मार्केट में, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। कोई भी चीज़ आपको पैक करनी हो तो इस तरीके से मैंने ये कुर्ता, और ये है एक ओढ़ने वाली चादर जिसमें यहाँ पर आपको दिख जाएगा बॉर्डर लगा हुआ है, प्योर कॉटन की है, बहुत अच्छी है, कलर फैब्रिक सब कुछ बहुत अच्छा है। तो एक ये इस तरीके का है और इसके साथ ही ये एक बिछाने वाली चादर है, ये बॉम्बे डाइन की है। तो इसकी पैकेजिंग पता नहीं कहाँ गई, तो मैंने इसको जैसा ना खोल के देखा है तो जैसे ये इसके अंदर एक पिलो कवर भी है सेम और एक ये है इस तरीके से। तो मैंने इसे भी जैसे मैंने सारी पैकेजिंग न्यू फिर से कर ली है एक जैसी। और ये है तौलिया, खूब लंबी चौड़ी अच्छी मोटी और कॉटन की टॉवल है ये। और इसके साथ ही एक टार्च, जब कुछ ऐसे वाले काम होते हैं तो उसमें टार्च और छाता ज़रूर दिया जाता है, क्योंकि वो आप लोगों ने अगर गरुण पुराण सुना हो तो गरुण पुराण में एक ऐसा अध्याय भी आता है जहाँ पर बताया जाता है कि आपके परिवार जिनके द्वारा टार्च जब दान की जाती है तो उसका क्या महत्व होता है। तो बात बहुत लंबी हो जाएगी तो बस ये देख लीजिए एक टार्च है। और इसके साथ ही एक ये पिलो है, ये एडजस्टेबल पिलो है, तो अभी ये फूल है ना, फूल जाएगा तो स्पेस ज़्यादा घेर लेगा, तो मैंने इसे पॉलिथिन के अंदर इस तरीके से खोड़ा हुआ है तो स्पेस के कांटेक्ट में आते ही ये फूल जाएगा। तो एक ये पिलो और ये गद्दा, गद्दा यहाँ पर रखा हुआ है, फोल्डिंग पलंग नीचे है, होता है ना मतलब पहनने के कपड़े से लेके और बिस्तर वगैरह जरूर दिया जाता है। इसके साथ ही एक ये है चप्पल, ये इस तरीके की स्लीपर है ये, और मतलब जिनको हमें देना है हमारे बड़े पंडित जी हैं तो वो पापा जी के मान्य थे तो उनको दिया जाएगा, पापा जी के मतलब मान्य हैं कौन लगती है मुझे नहीं पता है, तो उनके नाप की है ये। खरीदने के बाद हमने उनके पैर में डलवा के देख ली थी और उनसे जैसा साइज वगैरह पूछवा लिया था पहले ही कि कितने नंबर की उनकी चप्पल आती है, और उनको बता रही थी जाके कि बहुत अच्छी भी लगी, मतलब जैसे कंफर्टेबल चीज़ें उनको ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके का एक चप्पल है और बस यही सारा सामान है। और हलवाई वगैरह आएगा तो कल पूजा वगैरह चलेगी, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे हम लोगों को नहीं पता था कि अमावस में तर्पण भी करना होता है, तो इन्होंने एक भी अमावस को तर्पण नहीं किया है, तो कल वो पूजा भी होगी। फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं किया तो फिर कल वो सब करवा देंगे। और कल का दिन कैसा रहेगा ये तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और ये ब्लॉग कितना लंबा हो जाएगा मुझे नहीं पता है, और बड़ा हो भी गया तब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि पता है यूट्यूब पर सिर्फ मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर नहीं करती हूँ, मेरी लाइफ का वो हिस्सा शेयर कर रही हूँ जो शायद कभी मतलब ये पल लौट के तो आना ही नहीं है, ये ज़िंदगी की वो याद है जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और कभी मतलब मैं भी शायद इन चीज़ों को खोल कर देखूँगी कि क्या मैंने कैसे किया था उस टाइम पर। तो ये सारी प्रिपरेशन हो गई है, और भाई काव्यानाथ के लिए चाय बना ली है, पी लीजिए आप सब आके काव्या के हाथ की चाय। कौन सी चाय है काव्या? काव्या बहुत देर से इशारा मार रही है, अगर आपने देखा हो हाथ ऐसे वैसे करके कैमरे में कि मुझे भी दिखाओ। तो ये अपना टी सेट लेके बैठ गई है और ये इनकी चाय बन रही है। तो गाइस चलिए अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ या फिर मैं वीडियो की एडिटिंग करके फटाफट आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा आज तो, मतलब पॉसिबल नहीं दिख रहा है। वैसे मेरा मन कर रहा है कि थोड़ी देर आराम कर लूँ, शाम को भी काम हो जाएगा और कल तो पूरा दिन काम काम रहेगा। आज मैंने सूट पहना है लेकिन मैं कल साड़ी पहनने वाली हूँ, और आज मैंने नया नया सूट पहना है, एक और सिल गया इसके साथ, एक मैंने येलो वाल लिया था वो नहीं अभी सिला है, तो वो मैं बाद में दूंगी टेलर को, क्योंकि अभी एक साथ मैं सारे नहीं देती हूँ, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो क्या हुआ, ये क्या हो रहा है? सब लोग बोलेंगे आप बहुत बैड गर्ल हो, आप तो ऐसे वाले काम करती हो, क्यों बताओ। तो चलिए फ्रेंड्स अभी रेस्ट कर लेते हैं, और ये सारी प्रिपरेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, क्या कुछ खरीदा है वो भी शेयर कर दिया है, और ये छोटू छोटू सा सामान था बकेट के अंदर वो नहीं शेयर किया, उसमें टाइम फिर बहुत लगेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
तो चलिए गाइस, रात के 10 बज चुके हैं और सारा काम मेरा हो गया है, डिनर हो गया है सबका, और बस अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। और आप सबके साथ मैंने एक वीडियो भी शेयर कर लिया है, और मैंने शाम को कोई ज़्यादा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई है। एक्चुअली सब लोग एक साथ आ गए थे तो सब लोग बात बात करने लगे, और कुछ मेरे माइंड से कम्प्लीटली स्लिप्ड हो गया था कि मुझे वीडियो भी निकालना था। तो सब लोग आए थे, चाची वगैरह जो भी मेरे घर के रिलेटिव हैं जो बाहर रहते हैं सब लोग आ गए हैं, एक दो लोग रह गए हैं तो वो कल मॉर्निंग में आएंगे। और मैं सोचा चलो सोने से पहले आपके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। और क्या बोलूँ, मतलब आज ज़्यादा कुछ शेयर करने के लिए रहा नहीं मेरा आपके साथ। तो जैसे बिजी शेड्यूल बोलूँगी कि जब कुछ ऐसे बड़े काम घर में हो रहे होते हैं तो टाइम नहीं होता है, बट फिर भी मैंने बहुत मेहनत से बहुत कोशिश करके आपके साथ ये छोटा सा वीडियो शेयर करने की कोशिश की है। मैंने सोचा चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आपको ये छोटा सा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप सबको पता है कि लाइक कितना ज़्यादा मायने रखता है हर किसी के लिए। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कल मिलूंगी आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।